नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य ओझा और यह है लर्निंग शॉर्ट्स की इंटरव्यू सीरीज। आज हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र प्रताप सिंह। देवेंद्र जो है वो 15 साल से आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हैं और वो एक अजाइल कोच हैं। तो देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ आए। शुक्रिया आदित्य। और तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि आप 15 साल से जुड़े हैं, तो एक बार मैं चाहता हूं कि आप जो भी हमारे दर्शक हैं आप उनको बताएं कि ये जो आपकी जर्नी है ये कैसी रही और ये क्या थी। बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल। इंजीनियरिंग करने के लिए मैं आगरा गया था, जहां से मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की थी। तो उसके बाद मैं अपने घर वापस आया इलाहाबाद, जहां पे मैंने अराउंड एक साल के करीब, मेरे एक मित्र थे जो कि एजुकेशन में कुछ एक काम कर रहे थे, तो उनके साथ जुड़ के मैंने कुछ काम किया वहां पे। वो कुछ इनोवेटिव टाइप का काम था। उसके बाद मैंने सीडेक हैदराबाद से मैंने सीडेक का कोर्स किया एडवांस कंप्यूटिंग में। फिर मैंने 5-6 साल दिल्ली में नौकरी की। फिर मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन की, उसके बाद वो एक कलकत्ता बेस्ड कंपनी थी, मैंने वो ज्वाइन की। वहाँ पे 6 साल बहुत ही अच्छी लर्निंग रही मेरी, मैंने बहुत कुछ सीखा उस 6 साल में उस कंपनी को। मतलब आप बोल लीजिए कि मतलब एकदम थोड़े से और पूरा ग्रो होते तक योगदान दिया। मैं वहाँ लीडरशिप टीम में था। फिर मैं वापस मैंने इन्फोसिस ज्वाइन की उसके बाद कॉर्पोरेट में। वहीं पे एक अपॉर्चुनिटी आई अजाइल कोचिंग करने की और वहां से मेरी ये कोच की जर्नी शुरू हो गई। फिर उसके बाद मैंने एक अभी दूसरी कंपनी जो मेरी प्रेजेंट कंपनी वो ज्वाइन की है, जहां पे मैं पिछले 3 साल से वो काम कर रहा हूँ। उसके अलावा हाँ, हमारी लाइन में ट्रेनिंग भी काफी होती है। जी जी जी, तो काफी ट्रेनिंग करता हूँ और कंसल्टिंग में मैं रहता हूँ। तो मैं आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल देख रहा था तो मैंने देखा कि उसमें आपके काफी सारे सेशंस थे। जी हाँ बिल्कुल। जी जी जी। तो हमारी लाइन में ट्रेनिंग, कोचिंग, कंसल्टिंग, ये सभी को मिला के ही वो पूरा काम खत्म होता है अजाइल का। जैसे कि अभी मैंने एक चीज होती है हमारे हिंदुस्तान में क्या है, देखिए अगर आप बोलिए कि मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना है जी, तो लोग बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। सही बात। लेकिन अगर आप देखिए जहां पे भी दो लोग काम कर रहे हैं वहां पे एक इमोशंस आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने कंपनी सेट कर दी, आपने 4 रूल प्रोसेस बना दिए तो कंपनी में सब कुछ वैसे ही होने लगेगा। सही, हम मशीन नहीं हैं। तो ह्यूमंस को अच्छी तरह समझने के लिए और कोई भी परिवर्तन लाने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप उनके इमोशंस को समझिए, उनके व्यवहार को समझिए। और जी। जब आप वो चीज समझेंगे तभी आप उन्हें बदलने में मदद कर सकते हैं। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करके एक अप्रोच है, काफी फेमस है, अभी इंडिया में उतना ज्यादा नहीं है बट बाहर के देशों ने इसे बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट किया है। तो उसमें भी मैंने काफी कुछ सीखा लिया। आपने जैसे कि बताया कि आखिरी चीज की आप ये अजाइल कोच है पिछले 2.5-3 साल से, तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि ये अजाइल होता क्या है। जी बिल्कुल। देखिए अजाइल को लेके एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं उसे, एक मिसकंसेप्शन, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जैसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक जो प्रोसेस होता है, अजाइल एक नया प्रोसेस है जी, जी। जो कि सही नहीं है। अजाइल को अगर आप समझिए तो आप ये समझिए कि अजाइल एक विचारधारा है। जी, जी। एक काम करने का तरीका है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई सुबह 4 बजे उठो दिन अच्छा जाएगा। जी, जी। तो वो एक विचारधारा थी कि आपको जमीन पे बैठ के खाना खाना चाहिए, बाल्टी मार के खाना खाना चाहिए। तो क्या किया, उन्हें पता था कि स्वास्थ्य के क्या लाभ होंगे और उसको लोग फॉलो करें, इसलिए उन्होंने वो सारी चीजें बनाई थी कि आप ऐसे खाना खाओ, इतनी बजे उठो, इतनी चीज करो। वैसे ही अजाइल एक विचारधारा है, उसको उस विचारधारा को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क बने हुए हैं, बहुत सारे आप ये समझिए तरीके बने हुए हैं। जी जी। लेकिन जब तक आप उस विचारधारा को मानोगे नहीं, आप उस चीज से कन्विंस नहीं होगे कि नहीं ये चीज ठीक है, तब तक देखिए आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आप छोटी छोटी जगह थोड़ी बहुत चीज करती रही, आपको पूर्ण फायदा नहीं मिलेगा। तो अजाइल में क्या होता है,
अजाइल में एक काम करने का तरीका, अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं जी, तो आपको कैसे काम करना चाहिए वो तरीका अजाइल बताता है जी, जी। भाई देखिए, और देखिए हर बिजनेस तो डिफरेंट होता है, तो कोई एक बुक लिख के तो हर बिजनेस में वो नहीं इम्प्लीमेंट हो पाएगी। सही बात। तो अजाइल में क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई देखिए ये चार वैल्यूज जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, ये चार आपकी, जैसे हम मानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए वरना पाप लगता है, तो ये एक वैल्यू सिस्टम है। तो ऐसे ही अजाइल ने भी कुछ वैल्यूज डिफाइन कर रखी हैं और कुछ प्रिंसिपल डिफाइन कर रखे हैं कि अगर आप इन 10-20 चीजों को मान के अपना काम करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि भाई ठीक है, हम आप भी आते विश्वास करते हैं, करें कैसे है? तो फिर अलग अलग फ्रेमवर्क बने, कुछ फेमस फ्रेमवर्क आपने सुने हो शायद, स्क्रम है, राइट, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, या स्केल पे आपको अजाइल करना हो तो उसके लिए सेफ है जी, या फिर स्क्रम एट स्केल है। अलग अलग फ्रेमवर्क लोगों ने बनाए हैं जो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस है। अब मैंने उन विचारधारा को मान के कुछ काम किया, मुझे फायदा लगा तो मैंने एक ढांचा बना दिया, एक फ्रेमवर्क बनाया, तो वो फ्रेमवर्क मैं पब्लिक के पास ले गया कि भाई आप इसको फॉलो करो, मोटा मोटा आप जिसे बोलते हैं ना कि एक गाइडलाइन बना दी, तो वो गाइडलाइंस है वो फ्रेमवर्क जी, तो आप जी, उन्हें फॉलो करो, आपको फायदा होगा जी। तो यही पूरी चीज अजाइल है जी। हाँ तो अगर जैसे आप विचारधारा को समझते हैं तो फिर आप अजाइल कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने बोला कि लोगों को अजाइल के बारे में वो हो जाता है कि मतलब पूरी तरीके से क्लियर नहीं कि है क्या चीज कई लोग, तो वैसे ही एक चीज ये भी है कि लोग मानते हैं कि अजाइल जो है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए ही है, तो ये बात किस हद तक सही है? नहीं देखिए ऐसा हुआ क्या था कि अगर आप देखिए कोई भी इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आता है तो सबसे पहले वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आता है। जी जी तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में टोयोटा कंपनी जो है वो सबसे पहले एक प्रोसेस लेके आई थी आज से करीब आप मान लीजिए 70-80 साल पहले, जिसको लीन बोलते थे। हाँ, वो वहां पे बहुत अच्छा चला जी, उसके बाद क्या हुआ कि अजाइल जो शुरू हुआ था, जैसे अगर आप लीन कभी भी बोलेंगे तो उसका रिलेशन हमेशा उस पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पे जाएगा, टोयोटा पे जाएगा। हाँ, हाँ. वैसे अगर आप अजाइल बोलेंगे तो ये करीब आज से 2 डेकेड 20 साल पहले की बात है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हम लोग एक तरीके से काम किया करते थे जी। अब जब बिजनेस बदलने लगा, जो एंड यूजर है उसकी जरूरतें बदलने लगी, तो वो काम करने के तरीके को भी बदलना था। जी, तो जी. कुछ लोगों ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मिल के बोला कि भाई मैंने उस बदले हुए तरीके को, मैंने ये चार चीजें की है, मुझे फायदा हुआ। ऐसे एक 10-12 लोग मिले, उन्होंने फिर आपके वैल्यू और प्रिंसिपल बनाए कि ये सारी चीजें आप फॉलो करो तो फायदा होगा जिस तरीके से बिजनेस बदल रहा है। जी, तो वो क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लोग थे इसलिए ये कंसेप्ट बन गया कि नहीं अजाइल तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही चलेगा। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखिए तो अजाइल हेल्थ केयर में चल रहा है और काफी सक्सेसफुल हो रहा है वहां पे भी, राइट, सही बात। और आप इवन एजुकेशन में चल रहा है, राइट, क्योंकि ये है तो विचारधारा, सही बात। आप उसे प्रोसेस से रिलेट कर देंगे तो बहुत छोटी चीज हो जाएगी, लेकिन अगर आप उसको डीपली समझेंगे तो एक सोचने का, एक काम करने का तरीका है, तो उस केस में वो काफी, मतलब मेरा तो ये मानना है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी कर सकते हो जी जी जी, तो आप अपने घर में भी, अपने सोच में भी ला सकते हो जी, क्योंकि मेरा खुद का एक छोटा सा स्टार्टअप है, तो हम लोग उसमें जो है हालांकि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं पर फिर भी हम उसमें स्क्रम कॉल करते हैं, तो करेक्ट, तो और वो चीज काम कर रही। तो जबकि कई बार मैंने सुना कि जो अजाइल है वो केवल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए, तो मैं इसी चीज आपसे ये कर चाहता था कि आप एक बार बताएं। और जैसे एक तो ये संदेह हो गया कि अजाइल को लेकर के, दूसरे कई सवाल अजाइल को लेकर के ये भी होते हैं कि अजाइल टीम होती है एक चीज और एक होती है अजाइल ऑर्गेनाइजेशन, अजाइल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो इनमें क्या अंतर है? देखिए हमारी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है इसमें जितने भी प्रोसेस लिए गए हैं ये सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में से लिए गए,
इवन आपका जो मैनेजमेंट लेवल प्रोसेस था वो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में से आया। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि मशीनें काम करती हैं, तो आपने अगर एक प्रोसेस बना दिया और आपने बोल दिया फॉलो करो, तो मशीन तो रोज का रोज वही काम करती चली जाएगी। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जब ये चीज आई तो एक 15-20-30 साल लग गए लोगों को समझने में कि यहाँ पे तो इंसान काम कर रहा है, यहाँ मशीनें नहीं है। जी, और जैसे जी. ही हम इंसान की बात करते हैं इमोशन आ जाते हैं। लेकिन ये चीज अभी भी आप मान लीजिए, आप पूरे दुनिया का आंकड़ा लेंगे तो खाली 30% कंपनी ये बात समझी होंगी जो कि अजाइल की तरफ बढ़ रही है। बाकी कंपनीज क्या करती हैं, उन्हें लगता है कि अच्छा कुछ कुछ तो करना है, अजाइल अजाइल सुन रहे हैं क्योंकि कस्टमर भी बोल रहा है, तो अपनी टीम को बोल दो कि वो अजाइल कर ले। अब अगर आप इसको एग्जाम्पल में समझिए, मान लीजिए आप रोज सुबह व्यायाम करते हो, जिम जाते हो, ठीक है, और बाहर निकल के आप पराठे खा लेते हो, क्या आपको फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। दो चार पांच हम सभी के साथ हो चुका है। तो देखिए ऐसा क्या होता है कि आपको 2-4-5% फायदा तो होगा लेकिन संपूर्ण फायदा नहीं होगा। सही बात। अगर आपको कोई भी चीज करनी है तो आपको उसको संपूर्णता में देखना होगा, आपको पूरा सिस्टम ठीक करना होगा, तभी फायदा मिलता है। जी। तो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि टीम पे आप जो स्क्रम की 4-5 सेरेमनी होती हैं वो इम्प्लीमेंट कर दो, और उसके बाद बोलेंगे फायदा नहीं हुआ, जबकि वो टीम तो उस बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। तो इसीलिए आज अब देखिए हर चीज की शुरुआत होती है, लोग सीखते हैं फिर वो चीज आगे बढ़ती है। तो पहले ये टीम पे शुरू हुआ, अब लोगों ने समझा कि नहीं हमें तो पूरे सिस्टम को ठीक करना है, एक संपूर्णता में चीज को देखना है, एक होलिस्टिक वे में देखना है। तो फिर लोग बोले कि हमको पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अजाइल बनाना है। जब ऑर्गेनाइजेशन की बात आई तो आपका जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का पॉइंट था वो वहीं अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में तो देखिए आपका मार्केटिंग भी आता है, सेल्स भी आता है, आपका लीगल टीम भी आती है, सब लोग आ जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन अजाइल का मतलब हो गया कि ये सारी टीम, क्योंकि देखिए बात बहुत छोटी सी है, एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर सारी टीम एक साथ मिलके काम नहीं करेंगी तो कस्टमर को फायदा नहीं होने वाला है। खाली मान एग्जाम्पल आप ऐसे लीजिए कि मान लीजिए सेल्स वाले ने एक 50 ऑर्डर ले आया जी, और आपका जी. डेवलपमेंट टीम उसे बना नहीं पाई, कोई फायदा नहीं है। डेवलपमेंट टीम ने बहुत जल्दी बना दिया और मार्केटिंग वालों से मार्केट नहीं कर पाए, कोई फायदा नहीं है। तो इन सबको तो एक साथ काम करना पड़ेगा, या आपने इतना बना दिया कि आपका जो एंड यूजर है वो उसे कंज्यूम नहीं कर पा रहा। एग्जाम्पल के तौर पे आप अमेजन की ऐप खोलिए और जितनी बार आप ऐप खोलें आपको एक नया फीचर दिखे तो आप वो ऐप यूज नहीं करोगे। तो इस पूरी लाइन को तो एक सेम पेस पे चलना पड़ेगा। जी जी, उसको हम लोग बोलते हैं कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अजाइल होना पड़ेगा। टीम का तो हो गया कि जो डेवलपमेंट टीम है या मान लीजिए कोई छोटी टीम है उसको टीम लेवल पे हो रहा है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अजाइल टीम में पहले एक एक जो ड्यूटी एक एक पूरी उसकी एक व्यक्ति की होती थी, एक इंडिविजुअल की होती थी, उसी तरीके से अजाइल ऑर्गेनाइजेशन में वो यूनिट एक टीम हो जाती है, उसका सबसे छोटा स्ट्रक्चर। नहीं, जब हम अजाइल टीम बोलते हैं तो हम इंडिविजुअल की फिर बात ही नहीं करते। जी जी, हम एक टीम जो होती है 5-7 लोगों की, वो बोलती है कि भाई ये 5 काम हम आपको करके देंगे, और वो टीम काम करके देती है। उसमें फिर ये नहीं होता कि मैंने नहीं किया या आपने नहीं किया। वही माइंडसेट है, जो माइंडसेट चेंज की मैम शुरू में बात कर रहे थे हम लोग, वो वही माइंडसेट है कि कलेक्टिव ओनरशिप बोलते हैं हम लोग उसको अजाइल के टर्म्स में, कि एक टीम ने लिया करके दे दिया। ऑर्गेनाइजेशन एजिलिटी की जब बात होती है तो उसका मतलब हो जाता है कि जो आपकी लीडरशिप बैठी है वो भी उतनी ही इन्वॉल्व है टीम के साथ और उतनी ही जिम्मेदारी ले रही है सक्सेस और फेलियर की जितनी उस टीम के ऊपर है। जी जी जी, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शन देके साइड नहीं खड़े हो सकते, जी जी, आपको तो उसमें रहना पड़ेगा गेम में। तो जैसे कि ये आपने बताया कि अजाइल फॉर ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज होती है, टीम में ये होती है, तो अगर हम बात करें कि अजाइल में रोल्स कौन कौन से होते हैं तो वो क्या होते हैं? देखिए
जो आपकी डेवलपमेंट टीम थी वो तो हमेशा से रहेगी। अंतर डेवलपमेंट टीम में अंतर ये हो गया, पहले हम बोलते थे ये डेवलपर है, मतलब जो कोडिंग कर रहा है, जी ये जी टेस्टिंग का है, ऐसे हम डिवाइड करते थे। अब हम बोल देते हैं अजाइल टीम। दूसरा जो महत्वपूर्ण रोल आ जाता है वो आ जाता है प्रोडक्ट मैनेजर करके। जी पहले जी कैसे होता था, एक आदमी जाता था कस्टमर के पास, बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट लिख के ले आता था और उसे कहीं पे रख देता था। फिर जब टीम बनती थी वो टीम उस पेज को उठाती थी, पढ़ती थी और जो उसे समझ में आता था उसके हिसाब से बनाती थी, तो उसमें बहुत ज्यादा गैप आ जाता था। जी अभी जी क्या है, जी एक प्रोडक्ट ओनर बन गया जो आप एक तरीके समझ लीजिए टीम के लिए कस्टमर है, वो बताएगा कि क्या चाहिए, टीम उसे बनाएगी और 6-8 महीने नहीं, एक 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का एक विंडो होता है, उतने में ही बनाना है, उतने में जितना आप बना सकते हो उतना काम देगा वो काम करके आप वापस उसे दोगे, वो बोलेगा सही है गलत है, इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए फीडबैक देगा अपना, और उस हिसाब से फिर आप आगे बढ़ोगे। जी तीसरा एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है जिसे बोलते हैं स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर देखिए, एक तो है मोटा मोटा हम लोग अजाइल समझ लें, लेकिन कोई भी चीज समझ के उसको ठीक तरीके से करने के लिए आपको कोई गुरु चाहिए होता है, कोई एक मदद जी चाहिए होती है जो आपको गाइड करता रहे, तो स्क्रम मास्टर का वही रोल है। आप उसे मेंटर बोल लो, गुरु बोल लो, टीचर बोल लो, कैसे भी बोल लो, बट वो बंदा जो है आपका, वो जो रोल है स्क्रम मास्टर का, उसकी जिम्मेदारी है कि हर आदमी अजाइल को समझे। अजाइल को ऐसा नहीं कि सिर्फ 2-4-5 मीटिंग कर ली जो अजाइल में होती है, क्यों होती है मीटिंग, कैसे अच्छा काम होना, वो समझे टीम लेवल पे। इसी चीज को अगर आप थोड़ा एंटरप्राइज लेवल पे चले जाएंगे तो एक और रोल आ जाता है जिसे अजाइल कोच बोलते हैं। अच्छा, जो स्क्रम मास्टर होता है वो अजाइल कोच ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। हाँ एकदम जी उसी रोल को ऊपर कर दीजिए, जैसे प्रोडक्ट ओनर है तो प्रोडक्ट मैनेजर बन हाँ जाएगा, हाँ 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 तो काम वही रहेगा लेकिन फिर आप थोड़ा ऊपर के लेवल पे करने लगते हो, जी वो जी अंतर आ जाता है। तो ये तो सारी बातें हो गई, हमने अजाइल को समझ लिया। अब अगर कोई जो ये वीडियो देख रहा हो या किसी और की भी इच्छा हो कि वो अजाइल में अपना आगे जा करके करियर बनाए, तो अजाइल में करियर बनाने के लिए क्या करें, और आप कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आप सजेस्ट करेंगे? देखिए पहली चीज तो जब आप बोलते हो मुझे अजाइल में अपना करियर बनाना है, तो अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो जी पहली चीज तो ये है, देखिए आज की सिचुएशन ये है कि एक कंपनी ये बात समझ चुकी है कि आज या 2 साल बाद हमको अजाइल की जर्नी पे जाना है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। अगर आपको बिजनेस में सर्वाइव करना है तो आपको चाहिए कि आप प्रिडिक्टेबल होने पड़ेंगे और आपको अजाइल लेना ही पड़ेगा। तो आप डेवलपर के रोल में हो तो आप अजाइल को समझ लो कैसे होता है और आप अपना जो काम करते हो करते रहो। अगर आप मान लीजिए जिसे हम लोग बीए बोलते थे, बिजनेस एनालिस्ट पहले जो रिक्वायरमेंट लिखता था, उन लोग प्रोडक्ट ओनर या प्रोडक्ट मैनेजर के रोल में जा सकते हैं। उनको सिर्फ ये समझना है कि जो रिक्वायरमेंट लिखी जाती है वो अजाइल के फॉर्म में कैसे लिखी जाती है। अगर आपको स्क्रम मास्टर या कुछ करना है, देखिए सर्टिफिकेशन का क्या होता है, एक 2 दिन 3 दिन की ट्रेनिंग करके तो पूरा ज्ञान नहीं आ सकता। सही बात, तो बिल्कुल मेरी सही। पर्सनल राय है कि सबसे पहले आप, आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है, आप कुछ ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, ब्लॉग पढ़ सकते हो, इतने डिस्कशन फोरम है आप वहां पे जाके डिस्कस कर सकते हो, और बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं जो बहुत ही नॉलेजेबल लोगों ने लिखी हैं, बहुत जानकार लोगों ने, तो वो बुक्स पढ़िए। कुछ आज किताब का आप सजेस्ट कर देते तो? बिल्कुल, एक किताब है जैसे फिनिक्स प्रोजेक्ट, जी दी जी फिनिक्स प्रोजेक्ट, बहुत ही बढ़िया किताब है। तो शुरू करने के लिए मुझे लगता है वो किताब, और वो खत्म हो जाए तो द गोल करके किताब है, वो दो जी जी किताबें तो पढ़नी ही पढ़नी चाहिए आप किसी भी रोल में हो। उसके बाद देखिए जो भी आपका रोल है, क्योंकि अजाइल की एक बड़ी खास बात है, अगर आप स्क्रम मास्टर या अजाइल कोच का रोल कर रहे हो तो आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं रहती है, मतलब कोई आपको रिपोर्ट नहीं करता है पूरी टीम में, हाँ आपको बिना किसी अथॉरिटी के लोगों को समझा के कि भाई इसमें आपका क्या फायदा है, नीचे से लेके मैनेजमेंट तक सबको आपको कन्विंस करके उस रास्ते और सफर पे ले जाना होता है। तो आप जहां पे हो वहां पे आप ये काम कर सकते हो,
और जब आपको थोड़ा 6-8 महीने का एक्सपीरियंस हो जाए तो आप देखिए, सर्टिफिकेशन का तो ये है कि अगर आपको, अब इंडस्ट्री की भी अपनी प्रॉब्लम है कि उसे छाटना है लोगों को, तो सर्टिफिकेशन करता है, तो आप स्टार्ट करने के लिए आप स्क्रम का कोई भी सर्टिफिकेशन कर सकते हो। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है स्क्रम मास्टर की, वो आप कर सकते हो। और जब कुछ दिन में आप सीख जाओ, एक छः आठ महीना आपने काम कर लिया, तो आप सेफ का सर्टिफिकेशन कर सकते हो। सेफ की अच्छी बात क्या हो जाती है कि सेफ अगर आप करते हो तो उसमें आप कानबान है, स्क्रम है, सिस्टम थिंकिंग है, डिजाइन थिंकिंग है, बहुत सारी चीजें एक साथ समझ लेते हो। तो वैसा आप कोई भी सर्टिफिकेशन कर सकते हो, बट उससे ज्यादा जरूरी है आप जिस भी रोल में वहां पे उस चीज को प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि रिसोर्स आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो जैसे आप बता रहे थे कि आप जैसे एजाइल कोच आपको समझाना पड़ता है, तो मेरे दिमाग में एक सवाल ये आया कि ये थोड़ा मतलब पीछे का सवाल हो गया, पर मेरे दिमाग में आया कि जैसे अगर आप किसी सीनियर लीडरशिप को कंपनी में, किसी सीनियर लीडरशिप को जब आप एज एन एजाइल कोच ट्रेन करते हैं, तो फिर आपका एक्सपीरियंस उस समय क्या रहता है? देखिए, सीनियर लीडरशिप को कोच करने में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तो ये है कि सीखने को बहुत मिलता है। उन लोगों के पास अपना एक बहुत बड़ा ज्ञान का पिटारा है जो उन्होंने काम करके सीखा है। जी, अगर आप उनको सिर्फ इतना समझाने में सक्सेस हो जाते हो कि इस नई चीज को करने में आपका क्या फायदा है, तो वो लोग बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं आपको सपोर्ट करने में। जो टॉप सीनियर लीडरशिप होती है, उनको ये समझ में आना चाहिए बस कि इस चीज को करने से पूरी कंपनी का और उनका क्या फायदा होगा। तो उसके बाद वो लोग आपके साथ रहते हैं। उन्हें समझाना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल नहीं होता है। उसका मुख्य कारण ये है कि उनका खुद का एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस होता है। और देखिए, वो जो भी चीज करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक चीज 20 साल, 25 साल, 30 साल की है जिसने फायदा दिया है, तो ये मान लेना कि मैं आके बोलूंगा और वो मान जाएंगे, वो मानना ही गलत है। तो आप उन्हें कुछ छोटा करके दिखाओ जिससे उन्हें लगता है कि नहीं फायदा होगा, तो उसके बाद वो लोग आपका साथ जरूर देते हैं। तो जैसे कि आपने सारी चीजें बताई, आपने सेफ के बारे में बताया और आप सेफ का मतलब ट्रेनिंग वगैरह भी करते हैं, तो अगर किसी को सेफ की ट्रेनिंग करनी हो और आपसे कनेक्ट होना हो तो आप वो बता दीजिए। और साथ के साथ मैं चाहता हूं कि चाहते चाहते आप एक जो भी एजाइल में जाना चाहता है उसको एक एडवाइस भी दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य। तो देखिए, अगर आपको सेफ ट्रेनिंग करनी है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, देवेंद्र, DEVENDRA@responsiveb.com, RESPONSIVEB.com, या आप मुझे कॉल कर सकते हो 8095996111, या आप मेरे लिंक्डइन पे जाके भी देख सकते हो, तो मैं काफी अप्रोचेबल हूँ। अगर आप मैसेज करोगे तो मैं यकीनन जवाब दूंगा। एडवाइस देखिए, मैं एक ही एडवाइस दूंगा कि जो भी आपको अगर एजाइल में जाना है, तो जहां पे भी आप हो वहां पे थोड़ा बहुत कुछ करके जरूर देखिए, क्योंकि बाहर से देखने में ये सफर भले आसान लगे, बट जब आप ये रोल करते हो बिना किसी पावर, बिना किसी अथॉरिटी के, इंडस्ट्री में काम करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बट हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है, और एक दो बार तो आपको ये रोल ट्राई करना चाहिए। तो आपने जो भी डिटेल बताई है, देवेंद्र जी ने जो भी डिटेल बताई है, हम उसको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे और आप उनसे जरूर कनेक्ट करिएगा। और देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए इतना टाइम निकाला। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी।